ऐसी बातें भी होनी चाहिए कि सुबह हम अपने छोटे भाइयों को बच्चों को ये बताएं कि बेटा जगराते का मतलब ये होता है ना। तो सबसे पहले क्या पवित्र होना चाहिए, ये पहला प्रश्न आप लोगों से बताएं। जी अंकल जी, माँ का, माँ का क्या, माँ तो माँ। मैंने पूछा कि जब हम किसी धार्मिक कार्य में जाते हैं तो सबसे पहले क्या पवित्र होना चाहिए। इनके लिए भी कह दो जय हो, भक्त तो हर प्रक्रिया के हैं साहब। ये भी बताऊंगा, याद दिला देना बीच में कि भक्त कैसे कैसे हैं दुनिया में। मैं कह रहा हूं क्या पवित्र होना चाहिए, अंकल जी कह रहे माँ। तो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिवा माँ की कुछ रखना ही नहीं है। ये बड़ी बात है, इनके लिए ताली बजा। आप लोगों में से कोई बताएंगे मन पवित्र होना चाहिए, इनके लिए भी ताली बजा। ये बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। अच्छा, उसके बाद जब हम उस पंडाल में प्रवेश करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, और प्रथम चरण हमारा जब पड़ता है तो क्या पवित्र होना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं इसलिए करता हूँ कि लोग जगह जगह जागरण कराते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो बात भी आनी चाहिए। क्या पवित्र होना चाहिए माता? सुबह सुबह शिव का नमस्ते। अच्छा साहब, अभी तो आधी रात भी नहीं गुजरी, सो रहे हो? हाँ जी, दूसरा प्रश्न, जब प्रवेश करें तो क्या पवित्र होना चाहिए? मन तो हो गया बेटा। अब पार्टी के कलाकारों से प्रश्न है, हमारे कलाकार लोग बताएंगे, अनिल भाई साहब बताएंगे। दरबार में पहुंचते ही क्या पवित्र होना चाहिए इनके लिए, तो ताली जोर से बजा दो। बड़ी श्रद्धा से जगराता सुनते हैं, कई सालों से सुन रहे हैं। और तीसरा प्रश्न, कि जब विराजमान हो जाए तो दरबार में विराजमान होने के लिए, प्रथम हो गया मन पवित्र, जब मन पवित्र होगा तो भक्ति करेंगे। दूसरा प्रश्न था, बता दिया, जिब्या पवित्र होनी चाहिए। और तृतीय, ये तन पवित्र होना चाहिए। उसके बाद हम जगराते में जोत में जाने के काबिल होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। और अब एक बार दोनों हाथ उठा लो, बिल्कुल सीधे उठा लेना। शीलू भैया अभी तक दिखाई नहीं दिए मुझे कौन से, जहां भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो आ जाना प्लीज। हाथ ऊपर ही रखो और हथेली माता को दिखा दो, हे भगवती मेरे साथ बोलो।